बिल पर बोलने का मौका दिया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय स्वयं कॉलेज एजुकेशन से आते हैं, विश्वविद्यालय से आते हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी अध्यक्षता वाले इस सदन में ऐसा बिल लाया जाए तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। माननीय सभापति महोदय, अभी मालवी से और सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जीके गढ़वी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात रिट पिटीशन संख्या 1525/2019 में 3 मार्च 2022 को निर्णय देते हुए सरदार पटेल विश्वविद्यालय गुजरात के कुलपति की योग्यता UGC रेगुलेशन के अनुसार प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव नहीं होने पर उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया है। तो क्या ये सरकार भी चाहती है कि सदन का जो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, जिससे सदन चलता है, जिससे सदन में पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, वो खर्च करके और वापस उसी स्थिति पर लाया जाए? इस प्रकार का बिल लेकर के क्या संदेश देना चाहती है? मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आगे बताना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए ये रेखांकित किया है कि UGC अधिनियम 1956 की धारा 26(1)(e) और 26(1)(g) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए UGC द्वारा UGC विनियम बनाए गए हैं। राज्य के कानून और केंद्रीय कानून के बीच में किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी के मामले में संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रतिपादित विरोध का नियम सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय कानून प्रभावी होगा। तो जब ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और ये हम सबको मालूम है कि इसमें अल्टीमेटली अंततोगत्वा केंद्रीय कानून ही प्रभावी होने वाला है, फिर हम ये बिल क्यों लेकर के आ रहे हैं? मेरी समझ से परे है। इसलिए UGC विनियम के प्रावधान के विपरीत कुलपति के रूप में कोई भी नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। माननीय सभापति महोदय, मैं आगे आपसे उल्लेख करना चाहूँगी कि UGC के मान्यता प्राप्त प्रत्येक विश्वविद्यालय का समान रूप से लागू होंगे तथा विश्वविद्यालय राज्य सरकारें इन विनियमों को अपनाने के 6 महीने के भीतर सभी संबंधित विश्वविद्यालयों से के अधिनियमों और विधियों को संशोधित करेगी। कोर्ट ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया है कि रेगुलेशन में यह शर्त है कि संपूर्ण रेगुलेशन, सिर्फ एक धारा नहीं माननीय सभापति महोदय, संपूर्ण रेगुलेशन एक कंपोजिट स्कीम के रूप में बिना मॉडिफाई किए, ये शब्द स्पेशली रूप से लिखा है, बिना मॉडिफाई के लागू किया जाएगा। इस संबंध में UGC के 11 अगस्त 2014 के पत्र को एज इट इज फैसले में शामिल किया है, जिससे UGC की ओर से लिखा गया है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएं मैंडेटरी हैं। तो इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ समय को जाया करने का ही प्रावधान है, क्योंकि मुझे लगता है ये बिल जो सरकार लाई है, ये वो सरकार भी जानती है कि राज्यपाल के पास जब ये बिल जाएगा तो निश्चित रूप से पारित नहीं होगा, इस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे, क्योंकि ये वैधानिक नहीं है। तो ये आप सिर्फ हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में ओम थानवी जी को उपकृत करने के लिए, उनको संदेश देना मात्र है, क्योंकि ये फलीभूत नहीं होने वाला है। और आगे माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूँ आपको कि उच्च शिक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ विशिष्ट शिक्षाविद होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा तंत्र के बाहर से किसी पत्रकार को कुलपति के पद पर बैठाना UGC रेगुलेशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों के निर्देशों का उल्लंघन है माननीय सभापति महोदय। और ये मैं राज्य सरकार का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है जयपुर डेटेड 19/8/2020, जिसमें राज्य सरकार ने इस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से UGC के नियमों पर सभी यूनिवर्सिटीज में लागू किया, राज्य सरकार ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। तो जब राज्य सरकार ने इस ऑर्डर को अडॉप्ट कर लिया, तो राज्य सरकार स्वयं इसका वायलेशन कैसे कर सकती है? और इसलिए इसमें सारे रूल्स दिए हुए हैं, और ये टेबल आप चाहो तो मैं टेबल भी कर सकती हूँ। माननीय सभापति महोदय, आगे मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में JP सिंगल साहब का उदाहरण हम ले लेते हैं। JP सिंगल साहब जो शिक्षाविद थे, और इसी सदन में इसी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट स्वयं वो उठा करके देख ले कि उन्होंने क्या किया था। क्योंकि वो PhD नहीं थे सिर्फ, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के एक्ट में उस समय PhD होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन UGC के नियम लागू होने चाहिए
जब यही अशोक गहलोत जी जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब ये बात उस संदर्भ में तो अलग कहते हैं और इस संदर्भ में आप कानून में संशोधन लेकर के आ रहे हैं, आप नया कानून बना रहे हैं, ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है माननीय सभापति महोदय। और आगे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ओम थानवी जी का क्या व्यवहार, एक तो याचिका का उल्लेख तो किया ही है उन्होंने हमारे यहाँ से आने वाले चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने, और अहमदाबाद का मैंने उल्लेख आपको कर ही दिया। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट हैज़ इश्यूड अ नोटिस टू द UGC, द स्टेट गवर्नमेंट एंड द वाइस चांसलर ऑफ हरिदेव जोशी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी, अ रिप्लाई हैज़ बीन शॉर्ट विद इन 3 वीक, सिर्फ 3 सप्ताह में उनको जवाब देना है। पिटीशन इज फाइल बाय पंकज प्रताप सिंह हु हैज़ क्वेश्चन द क्वालिफिकेशन ऑन विच ओम थानवी करंट वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी वॉज अपॉइंटेड। और इसी तरह से मान्य हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने लिखा है कि आपको जवाब देना है। इट हैज़ बीन सेड इन द पिटीशन दैट एज पर द रूल्स ऑफ द UGC इट इज़ मैंडेटरी टू हैव 10 ईयर ऑफ प्रोफेसरशिप एक्सपीरियंस एंड PhD डिग्री एज अ वाइस चांसलर। द करंट वाइस चांसलर ओम थानवी हैज नाइदर अ PhD नॉर देन 10 ईयर प्रोफेसर एक्सपीरियंस, हैज ऑन वॉट ग्राउंड ऑफ द अपॉइंटिंग एज द वाइस चांसलर टू स्टेट ओनली जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी, द नोटिस वॉज इशू बाय द बेंच ऑफ जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव एंड जस्टिस राजस्थान हाईकोर्ट वाइल हेयरिंग PIL फाइल बाई पंकज प्रताप। तो ये पंकज प्रताप की PIL उसमें हो गई है, 3 सप्ताह में गवर्नमेंट को जवाब देना है, और ऐसी स्थिति में ये ओम थानवी जी कौन है? अब इनकी चर्चा की जाए तो मैं निवेदन करूंगी कि एक ट्वीट अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में ओम थानवी जी ने, क्योंकि वो एक वर्ग विशेष की विचारधारा से, एक विशेष राजनीतिक दल की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए माननीय सभापति महोदय उन्होंने एक ट्वीट किया भारत का लोकतंत्र, और उसमें एक वीडियो अपलोड किया। और जब UP चुनाव के संदर्भ में उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया तो एक वाइस चांसलर जैसा आदमी इतनी ओछी राजनीतिक हरकत करेंगे? बिल पे बोलिए आप, बिल पे बिल बिल पे बिल बिल तो उन्हीं के लिए लाया ना, कौन नहीं जानता है इस बात को, कौन नहीं जानता है कि ये बिल ओम थानवी जी के लिए लाया गया है? तो उस व्यक्ति ने किस तरह से राजनीति का में इस्तेमाल हुए हैं, और उन्होंने यूपी चुनाव के संदर्भ में जो ट्वीट किया, और जब यूपी पुलिस ने उसको उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि वो फेक ट्वीट था। तो जो प्रिंस, जो वाइस चांसलर, जो शिक्षा का सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ यूनिवर्सिटी का व्यक्ति इस तरह से कृत्य करेगा तो नीचे अपने स्टूडेंट्स को क्या शिक्षा देगा, क्या शिक्षा देगा, किस दिशा में लेकर के जाएगा? वो ठीक कहा उन्होंने कि इस पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को सिर्फ जर्नल वो बनाना चाहते हैं, JNU बनाना चाहते हैं, और साथ साथ में JNU बनाए आप, लेकिन आपकी चाल को जो है आप चाल इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, JNU की चाल को। मैं आपको निवेदन करती हूँ कि इस जो ये बिल लाया है ये पूरी तरह से अवैधानिक है, सरासर गलत है। मैं आज आपको आश्वस्त करती हूँ कि माननीय राज्यपाल महोदय इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, इसलिए ये समय जाया ना किया जाए और इस बिल को माननीय मंत्री महोदय आप वापस लें, और वापस लेकर के वो जो UGC के रूल्स है उस UGC के रूल्स के अनुसार आप लेके आएँ। खासा कोटी में पहले बता ही दिया कि खासा कोटी में किस तरह से, जहाँ एक भी प्रोफेसर नहीं है, जहाँ स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, क्या क्वालिटी होगी? हम तो क्वालिटी की बात करते हैं कि हम क्वालिटी वाली शिक्षा देंगे, ऐसी स्थिति में क्वालिटी तो बहुत दूर तक पता नहीं कहाँ छूट गई। यूनिवर्सिटी की आपको स्थापना करनी है, पहले फुलफिल तरीके से यूनिवर्सिटी को स्थापना करें, प्रोफेसर्स की रूस की भर्ती करें। माननीय महामहिम को चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि आपने जो नियुक्तियां आप करने जा रहे हैं, चूंकि आपका कार्यकाल खत्म हो रहा है, इसलिए आपने ये चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी उनको? आप अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में नीतिगत निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन आप नीतिगत निर्णय कर रहे हैं क्योंकि आपको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो आप ये नीतिगत निर्णय नहीं कर सकते। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूँ, माननीय मंत्री महोदय से मांग करती हूँ कि दबाव में ओम थानवी जी ने आपको राजनीतिक रूप से प्रेशर दिया होगा, आप राजनीतिक दोस्त रहे होंगे, लेकिन उनके दबाव में ये गलत काम नहीं करें, ये गलत परंपरा स्थापित नहीं करें, नहीं तो आपको जनता के बीच में जवाब देना मुश्किल होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को पूरा करती हूँ, धन्यवाद। श्री मदन जी।